हे एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल सो इन द लास्ट वीडियो वी हैड डिसकस्ड अबाउट एस आई आर एन एज विच आर नोन टू बी इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन टूडेज़ वीडियो वी वुड बी डिस्कसिंग अबाउट एम आई आर एन एज दैट आर माइक्रो आर एन एज बहुत छोटे छोटे आर एन ए मॉलिक्यूल्स हैं जो जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर मैनर में ठीक है तो एम आई आर एन एज जो होते हैं ये क्या हैं तो दीज आर स्मॉल नॉन कोडिंग आर एन एज स्म एंड नॉन कोडिंग होते हैं ये नॉन कोडिंग का मतलब क्या है जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी में बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में कोडिंग का मतलब होता है जो कि प्रोटीन बना सके सो दीज माइक्रो आर एन एज आर नॉन कोडिंग यानी ये खुद से प्रोटीन नहीं बना सकते हैं इनमें कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है कि जिसके थ्रू ये प्रोटीन बना सकें

कंजर्व्ड सीक्वेंस इनका होता है यानी मोस्ट ऑफ दी ऑर्गैनिज़म्स में इनका सीक्वेंस कहीं कहीं से आपको मैच उसमें मिलेगा जब भी आप उनकी उनको ब्लास्ट करोगे ब्लास्ट के थ्रू सर्च करोगे तो आप देखोगे कि उनके अंदर कुछ हाईली कंजर्व्ड सीक्वेंसेस हैं जो मोस्ट ऑफ दी ऑर्गैनिजम्स में ऑलमोस्ट सेम है एंड ये जो माइक्रो आर होते हैं ये ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव न्यूक्लियोटाइड्स जितने लंबे होते हैं ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव न्यूक्लियोटाइड्स जितने ये लंबे होते हैं ये करते क्या हैं सो दीज हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ रेगुलेट करेंगे किस चीज़ को जीन एक्सप्रेशन को जीन एक्सप्रेशन हम किस लिए बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन मतलब प्रोटीन बनाना तो प्रोटीन बनने को रेगुलेट करते हैं मेनली ये उसे डिक्रीज करते हैं तो ये क्या करते हैं कि ये बाइंड कर जाते हैं एक पर्टिकुलर टारगेट आरएनए सीक्वेंस से और जब भी उससे बाइंड कर जाते हैं तो उसके बाद क्या करेंगे या तो इनकी बाइंडिंग जो होगी इतनी स्ट्रोंग होगी कि जो पर्टिकुलर आरएनए मॉलिक्यूल है वो प्रोटीन बना ही नहीं पाएगा यानी उससे राइबोसोम्स अटैच नहीं हो पाएंगे या फिर हो सकता है कि वो जो आर मॉलिक्यूल जिससे ये बाइंड किए हैं वो आर मॉलिक्यूल डिग्रेड हो जाए ठीक है या तो उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है या फिर ट्रांसलेशन इनहिबिट हो जाती है दो केसेस होते हैं तो दीज रेगुलेट दी जीन एक्सप्रेशन एंड कैसे रेगुलेट करते हैं तो इसे बोला जाता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेट करते हैं इसका मतलब क्या होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मतलब आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन तो ट्रांसक्रिप्शन क्या प्रोसेस होती है कि आरएनए बनना तो जो आरएनए बन गया है जिस भी पर्टिकुलर जीन का आपको रेगुलेशन करना है उस जीन का जब आरएनए बन गया है तब जाके माइक्रो आर उन्हें टारगेट कर पाएंगे यानी इनका एक प्री है कि इन्हें पर्टिकुलर जीन का आर चाहिए उसकी प्रेजेंस चाहिए तभी जाके ये जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर पाएंगे एंड अब ये उस पर्टिकुलर आर एन ए सीक्वेंस से बाइंड तो कर जाते हैं बट बाइंड किस जगह पे करते हैं तो मेनली हम बोलते हैं थ्री डैश यू टी आर जो होता है उस आर एन ए मॉलिक्यूल का यानी थ्री प्राइम एंड जो है जहाँ पे अनट्रांसलेटेड रीजन है उस रीजन से जाके ये माइक्रो आर एन एज बाइंड कर जाते हैं और तभी जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर पाते हैं अगर हम इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखें कैसे डिस्कवर हुआ था तो हिस्ट्री आप इसकी देखोगे तो एक साइंटिस्ट थे मेजरली जिन्हें जाना जाता है इनकी डिस्कवरी के लिए वो थे विक्टर तो ये जो थे, इन्होंने सबसे पहला एम आई आर एन ए डिस्कवर किया जिसे हम बोलते हैं लेन फोर अब आपको याद रखना है कि जो भी माइक्रो आर एन एज या एस आई आर एन एज का नाम आप लिखते हो तो वो हमेशा इटैलीसाइज फॉर्म में लिखा जाता है बट अगर आप उसे हाथ से लिख रहे हो तो उन्हें आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा जो कि बायोनोमल नॉमिनचर का रूल होता है वैसा ही रूल यहाँ भी फॉलो होता है ठीक है एक पर्टिकुलर रूल ही फॉलो होता है सारे पॉइंट्स उसके फॉलो नहीं होंगे क्योंकि ये किसी ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है तो इटैलिसाइज करते हैं अगर हाथ से लिखोगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करोगे और ये किसके अंदर डिस्कवर हुआ था तो सीनोर एलिगेंस जो कि एक निमेटोड है उसके अंदर ये वाला एम आई आर एन ए डिस्कवर हुआ था अब इसे किस लिए जाना जाता है तो ये जाना जाता है कि ये एक लिन फोर नाम की एक जीन होती है लिन फोर्टीन नाम है वैसे उसका तो लिन फोर्टीन नाम की जो जीन होती है उसके एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर देता है ठीक है इसी से इसका नाम लिन फोर पड़ा था क्लियर है इतनी चीज तो विक्टर एम्ब्रोस नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहला माइक्रो आर डिस्कवर किया जिसका नाम था लिन फोर और किसने किया एक निमेटोड में किया जिसका नाम था सीनोर हेपडाइटिस एलिगेंस एंड ये जो पर्टिकुलर माइक्रो आर है ये टारगेट करता है एक जीन को जिसका नाम है लिन फोर्टीन इसको टारगेट करता है एंड इसके एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर देता है क्लियर है तो ये इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री थी जो मैंने आपको बताई अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे ये टारगेट करता है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को तो जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है न्यूक्लियस है ठीक है न्यूक्लियस इसे हम लेबल कर लेते हैं तो इसके बाहर क्या होगा साइटोप्लाज्म होगा ठीक है अब क्या होता है कि जीन्स जो होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूक्लियस की जो भी जीन्स होंगी जैसे मान लो ये एक पर्टिकुलर क्रोमोजोम है क्रोमोजोम के ऊपर जीन्स होती हैं तो ये कोड करेगा एक पर्टिकुलर मिसमैच्ड आरएनए ठीक है कहीं कहीं उसमें लूप्स होते हैं क्योंकि वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस एबसेंट है तो ऐसा एक सीक्वेंस होगा जिसे बोलेंगे प्री एम आई आर एन ए ठीक है प्री एम आई आर एन ए होगा अब ये जो प्री वाला होता है इसका इसको टारगेट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें बोला जाता है ड्रोशा ड्रोशा डाइसर ये दो टाइप के ही एंजाइम्स हैं जिनका आपको नाम याद रखना है एम आई आर एन ए और एस आई आर एन ए में जो हमने पीछे पढ़ा था एस आई आर एन ए उसके अंदर क्या था ड्रोशा काम नहीं करता था उसके अंदर सिर्फ डाइसर काम करता था बट जो एम आई आर एन ए होता है जो आज हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर ड्रोशा की इन्वॉल्वमेंट भी होती है जो कि एक टाइप का आर एन एज एनजाइम है अब जो आर एन एज एनजाइम होंगे वो क्या करते हैं एक पर्टिकुलर आर एन ए सीक्वेंस को टारगेट करते हैं ड्रोशा को माना जाता है आर एन एज थ्री एनजाइम ठीक है और ये क्या है एक टाइप का डबल स्टैंडर्ड आरएनए स्पेसिफिक एंडोन्यूक्लिएस है यानी ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए सीक्वेंस को कट कर देता है एंडोन्यूक्लिएस ठीक है इन बिटवीन कट करेगा इसके अलावा कुछ और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं जिन्हें बोला जाता है पाशा तो ड्रोशा एंड पाशा ये दो टाइप के प्रोटीन्स हैं जो इन्वॉल्व हैं प्री एम आई आर एन ए को ब्रेक करने के लिए ताकि पी आर आई वाला जो आर एन ए है वो कन्वर्ट हो जाए पी आर ई इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है प्री वाला जो है वो प्राइमरी है पी आर आई वाला ये जो प्राइमरी एम आई आर एन ए कन्वर्ट होगा पहले प्री एम आई आर एन ए में ड्रोशा पाशा वगैरह की हेल्प से अब जो पाशा होता है ये स्पेसिफिकली ड्रोसोफिला में नोन है इसके अलावा अगर मैमल्स की आप बात बात करोगे तो उसके अंदर होता है डी जी सी आर एट ये मैमल्स के अंदर स्पेसिफिक डबल स्टैंडर्ड आर एन ए बाइंडिंग प्रोटीन है जो पाशा की तरह ही काम करता है तो जब ये एक्ट करते हैं तो यहाँ जो भी ये डबल स्टैंडर्ड वाला रीजन आप देख पा रहे हो इससे ये बाइंड कर जाते हैं जब इससे बाइंड करेंगे तो ये क्या करेंगे उसकी ब्रेकेज कॉज करेंगे उसको तोड़ देंगे तो क्या होगा आपको कुछ ऐसा सा सीक्वेंस दिखेगा ठीक है जिसमें अब लूप्स काफी ज्यादा कम हो गए हैं यहाँ पे आपको लूप्स काफी दिख रहे थे अब यहाँ कम हो गए यहां से काट देगा इसे क्लियर है तो अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे हम प्री एम आई आर एन ए बोलते हैं याद रखोगे अब कि ऊपर वाला जो था वो प्राइमरी था पी आर आई इससे बना ड्रोशा के एक्शन के बाद प्री एम आई आर ने अब ये जो होते हैं ये कुछ पर्टिकुलर एक्सपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं जिनके थ्रू बाहर निकल जाता है न्यूक्लियस से अब ये जो एक्सपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं इनका नाम क्या होता है तो इसका नाम भी याद रखोगे इसे बोलते हैं एक्सपोर्ट फाइव तो इन फाइव नाम का एक प्रोटीन है जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है अब वो इसका एक्सपोर्ट करेगा बाहर की साइड साइटोप्लाज्म में इसे भेजने में हेल्प करेगा तो जब ये साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है तो आपको कुछ ऐसा दिखता है जैसा कि आपको प्री एम आई आर एन ए का स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा था वैसा ही दिखेगा तो ये है प्री एम आई आर एन ए अब ये जो प्री एम आई आर एन ए यहाँ आ गया है इसके ऊपर एक्ट करता है एक और एंजाइम जिसे बोलते हैं डाइसर तो डाइसर नाम से क्या पता चल रहा चल रहा है कि वो डाइस कर देगा उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को तो मान लो ये डाइसर है तो ये डाइसर जो है ये बाइंड कर जाएगा एक पर्टिकुलर एंड से उस एम आई आर एन ए से प्री आई आर एन ए के एक एंड से बाइंड कर जाएगा और तोड़ देगा ये लूप्स वाले रीजन को तोड़ देगा तो क्या होगा कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिखेगा जिसके अंदर बीच में तो काफी कॉम्प्लीमेंटरिटी है बट क्या होता है है कि जो जो एंड्स हैं हैं उसमें कुछ ओवरहैंग्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम आई आर एन ए डुप्लेक्स डुप्लेक्स किस लिए क्योंकि दो स्ट्रैंड्स यहाँ प्रेजेंट हैं तो एम आई आर एन ए डुप्लेक्स जब बन जाएगा अब इस डुप्लेक्स में क्या होगा कि कुछ प्रोटीन्स आके एड ऑन हो जाएंगे अब ये जो प्रोटीन्स इसके साथ एड होते हैं इन्हें बोलते हैं एंड ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसे बोलते हैं प्री रिस्क कॉम्प्लेक्स ठीक है रिस्क की बात हमने एस आई आर एन ए में भी की थी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले वो वीडियो जरूर देख लेना तब आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी ठीक है तो ये जो प्री रिस्क कॉम्प्लेक्स बना है इसमें दो स्ट्रैंड्स आपको दिख रहे हैं ये आर के ठीक है अब दो स्ट्रैंड्स पहले से अगर डबल अगर डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है आर का तो वो टारगेट आर से कैसे बाइंड करेगा तो क्या होगा कि इन दोनों स्ट्रैंड्स में से एक स्ट्रैंड जो होता है वो रिमूव कर दिया जाता है तो एक स्ट्रैंड रिमूव हो जाएगा और वो जो रिस्क कॉम्प्लेक्स है वो फंक्शनल बन जाएगा अभी ये प्री रिस्क था अब ये रिस्क कहलाया जाएगा तो रिस्क कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसमें एक सिंगल स्टैंडर्ड एम आई आर एन ए सीक्वेंस आपको मिलेगा जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा टारगेट आर एन ए सीक्वेंस के तो अब ये जब भी किसी टारगेट आर एन ए सीक्वेंस से बाइंड करता है तो ये ट्रांसलेशन इनहिबिट कर देता है सो देयर वुड बी इनहिबिशन ऑफ द ट्रांसलेशन प्रोसेस इनहिबिशन ऑफ ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन इनहिबिट हो जाएगी प्रोटीन नहीं बन पाएगा उस टारगेट आरएनए मॉलिक्यूल का क्लियर है ये वाली चीज तो ये पूरी प्रोसेस थी कैसे काम करता है एम आई आर एन ए केस में एक और चीजें कुछ एडिशनल चीजें और बता देती हूँ आपको अब वो चीजें क्या हैं उन चीजों में एक आपको याद रखना है कि प्री एमआई जो बना जैसे हमने बोला कि ये एक पर्टिकुलर जीन सीक्वेंस से बना प्री पी आर आई की फॉर्म में प्राइमरी एम आई आर एन ए की फॉर्म में फिर जाके ड्रोशा ने एक्ट करा तो प्री एम आई आर एन ए आपको मिल गया बट प्री एम आई आर एन ए जो है डायरेक्टली इंट्रॉनिक सीक्वेंसेस से भी बन सकते हैं जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एग्जॉन का रीजन ही हो जो इन्हें बनाने में हेल्प कर रहा है सो so, इंट्रॉन्स जो है वो भी इनको बनाने में हेल्प कर सकते हैं तो so, इन इस टाइप के इंट्रॉन्स को जो प्री एम आई आर एन ए बनाते हैं इन्हें बोलते हैं मिट्रॉन से नहीं बोला जाता है ठीक है और इसके अलावा आप क्या याद रखोगे इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो हमने सीक्वेंस पढ़ा रिस्क का वो रिस्क जो होता है इसके अंदर कौन से प्रोटीन्स मैंने बताए तो आर्गोनॉट फैमिली है एक प्रोटीन्स की जिस फैमिली के प्रोटीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड दीज प्रोटीन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू मेजर कैटेगरीज और आ, हम ये बोल सकते हैं कि ये जो भी प्रोटीन्स हैं इनके अंदर कुछ मेजर डोमेन्स होते हैं और वो डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन्स होते हैं ये डोमेन्स होते हैं पैस डोमेन एक पैस डोमेन होता है और एक पीवी डोमेन होता है पीवी डोमेन ये दो डोमेन्स होते हैं इनमें से पैस डोमेन जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड एम के थ्री डैश एंड से बाइंड करता है तो थ्री डैश एंड से बाइंड करता है ये वाला डोमेन इसके अलावा पीवी डोमेन जो होता है ये क्या करता है तो ये राइबो न्यूक्लियस एच को रिजेंबल करता है जो कि कट कर सकता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए सीक्वेंसेस को तो ये राइबो न्यूक्लियस एच को रिजेंबल करेगा तो आज हमने डिस्कस किया कि एम आई कैसे काम करता है क्या चीज़ें करता है कैसे बनता है ठीक है आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि एस आई आर एन ए और एम आई आर एन ए में क्या क्या डिफरेंसेस हैं क्या मेजर डिफरेंसेस हैं जो उन्हें अलग करते हैं वरना तो हम एक ही नाम बोल देते दोनों आर एन एज के बट हम उन्हें अलग अलग क्यों बोलते हैं वो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं ठीक है सो स्टे ट्यून्ड गुड बाय